नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए तो मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। छत्रपति शिवाजी महाराज की दिनांक 19 फरवरी 2024 को शिवाजी जयंती को लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा समाज के द्वारा घर घर जाकर आमंत्रित कार्ड बांटे गए, जिसमें समाज में बहुत ही उत्साह बना हुआ है। जरूरतमंद पीड़ित मरीजों की रक्त सेवा में निरंतर प्रयासरत रहते समाज सेवी रिंकू रितेश चौरसिया, जागते रहो ग्रुप खून का रिश्ता ग्रुप का 1837वां रक्तदान पूर्ण हुआ। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नाम आंगनवाड़ी सहायिका मिनी कार्यकर्ताओं संयुक्त संघ के बैनर तले ज्ञापन सौंपा गया। आंगनवाड़ी सहायिका मिनी कार्यकर्ताओं संयुक्त संघ ने 13 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। स्वामी बाग आगरा के प्रशासनिक भवन में नर्मदापुरम के ग्रैंड मास्टर डॉक्टर अजय निगम का सम्मान किया गया। लोकायुक्त की टीम बड़ी कार्यवाही कर रही है। टीम ने एक महिला अधिकारी को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टरबेंस, मध्य प्रदेश में 20 तारीख को दिखेगा असर। अभिनवी की वजह से हल्की बूंदाबांदी के आसार, 11 जिलों में छाया कोहरा। नर्मदा जयंती पर ट्रैफिक प्लान फ्लॉप, दर्शन करने उठाई फजीहत, शव वाहन को रोका और बीमार बच्चे को लेकर पैदल निकली मां। संगठन हुआ सक्रिय, मध्य प्रदेश में दिखने लगा किसान आंदोलन का बड़ा असर, मार्च में धरना प्रदर्शन की तैयारी। नर्मदा जयंती पर मुख्यमंत्री की घोषणा, नर्मदा धार्मिक नगरी 1.5 किलोमीटर की सीमा में नहीं खुलेगी शराब दुकान, मीडिया के सवालों को किया अनसुना। जबलपुर में बोले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कहीं नहीं जा रहे हैं कमलनाथ, मेरी बात हुई है उनसे, जो भाजपा में गए वो बिकाऊ, जो मेरे साथ हैं वो टिकाऊ। तो ये थी मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। ऐसी ही खास जानकारी के लिए जुड़े रहिए डीवी न्यूज के साथ।